यह वीडियो ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 5 के मैप वर्क पर आधारित है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आयरन ओर माइंस। तो आयरन ओर से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, आयरन प्राप्त होता है। तो यदि आपको मैप वर्क में आयरन ओर माइंस का जगह बताने को आएगा तो ये जो जगह बताने को आएगा तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पर दिखा सकते हैं जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो इसको हम लोग निमोनिक्स के थ्रू याद करने का कोशिश करेंगे और यहाँ पर हम लोग पिक्चर के थ्रू इसको याद करने का कोशिश करेंगे, ड्रॉइंग के थ्रू इसको याद करने का कोशिश करेंगे। तो आप जानते ही होंगे निमोनिक्स के बारे में। आप देख सकते हैं यहां सबसे पहला है रत्नागिरी, रत्नागिरी यहां पर महाराष्ट्र में है, यहां पर है। तो ये आपको पिक्चर से याद करना है, जहां पर मैं पिक्चर बनाऊंगा वहीं पे आपको याद करना है। तो समझ के चलिए जो रत्न है, जो रत्न आप जानते हैं कि मान लीजिए कि अंगूठी है, अंगूठी में क्या होता है, रत्न होता है, या फिर जो भी चीज यहाँ रत्न से संबंधित है, जवाहरात से संबंधित है, आपको ये समझ लेना है कि ये सब क्या है, आयरन का बना हुआ है। और बस आप पिक्चर को देखिए और यहीं पर उसको फोकस करिए, दो मिनट में आपको याद हो जाएगा। तो ये आयरन, आयरन से ही बना हुआ है सारा रत्न, और वो कहां पर है, यहां पर। ये पॉइंट आपको एग्जाम में दिखाना है। तो ये रत्न से हम लोग याद कर सकते हैं रत्नागिरी, जो कि आयरन है, तो यानी कि आयरन ओर से संबंधित है। ये महाराष्ट्र में मैं बना रहा हूं तो आपको महाराष्ट्र में याद करना है। बस थोड़ा सा फोकस करिए, आपको याद हो जाएगा, कोई ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं बेल्लारी है, बेल्लारी कहां पर है, कर्नाटका में। ये पॉइंट आपको यहां पर दिखा देना है बेल्लारी में, और कुद्रेमुख में यहां पर आपको ये पॉइंट दिखा देना है। तो बस थोड़ा सा ऊपर नीचे पॉइंट हो जाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं एग्जाम में। बेल्लारी से आप क्या निमोनिक्स बना सकते हैं, बैल बना दीजिए। यहां पर हम लोग बैल यदि बना देंगे बेल्लारी में तो क्या टेंशन है कोई, आपको कोई भी टेंशन नहीं है। बैल से बेल्लारी बना दिया, किस चीज का बैल है, लोहे का बैल है। इसका सिंग क्या है, लोहे का है, आयरन का है। आंख क्या है, लोहे का। मुंह क्या है, लोहे का। जीभ क्या है, लोहे का। तो ये आयरन से आप समझ गए, बेल्लारी बैल आयरन हो गया, और ये पॉइंट है, एकदम याद करके चलना है आपको। और यहां बस बेल्लारी जैसे ही एग्जाम में आएगा बस ये पॉइंट आप बना दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कुद्रेमुख है, ये भी कहां है, कर्नाटका में। तो बेल्लारी आपको यहां पर बनाना है, और यहां पर कुद्रेमुख कहां बनाना है, यहां पर बनाना है। मुख बनाना है तो मुख बना दीजिए, मुख जानते हैं ऐसे दांत बना दीजिए, और ऐसे इसमें जीभ बना दीजिए, बस बन गया मुख। यहां पर आंख बना दिया, नाक बना दिया, और ये क्या बन गया, मुख बन गया। मुख आप याद रखिए, बस आपको पिक्चर के थ्रू याद कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कहां क्या बनाया था, याद करिए, बताइए। यहां पर हम लोगों ने रत्न बनाया था, यहां पर बैल बनाया था, और यहां पर क्या बनाया, मुख बनाया है। तो थोड़ा सा मयूर, मयूर मतलब क्या होता है, मोर होता है। तो ये मयूर भंज आप देख सकते हैं, ये पॉइंट आपको मयूर भंज दिखाना है। फिर यहां पर आप देख सकते हैं केंदू झार यहां पर दिखाना है। तो यहां पर थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे बना दें तो ये मयूर के जैसा नहीं बन जा रहा है क्या, एकदम मयूर बन गया, मयूर बन गया। थोड़ा सा यहां पर कर दीजिए तो ये हो गया आपका मयूर भंज। और ये मयूर आपको दिमाग में यह रखना है कि ये आयरन का है, किस चीज का है, आयरन का। इसका चोंच किसका है, आयरन का। इसका सिर किसका है, आयरन का। और ये जो यहां पर दिख रहा है चीज, वह भी क्या है, आयरन का है। बस आपको याद हो जाएगा मयूर भंज है। फिर आप दुर्ग हिल, आप जानते हैं दुर्ग कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। तो आप समझ लीजिए कि ये जो दुर्ग है, यहां पर कोई खास दुर्ग का, किला का निर्माण किया गया है, और ये किस चीज का है, आयरन का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है, आयरन, एफी मुझे लिखना चाहिए, आयरन का बना हुआ है। तो एफी आप जानते हैं कि आयरन का हम लोग यहां पर सिंबल लिखते हैं एफी, तो ये आयरन का बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, छत्तीसगढ़ में। लेकिन एग्जैक्ट आप देख लीजिए, यहां पर आपको पॉइंट दिखाना है। तो कोशिश यही करना है कि जब भी आप मैप वर्क करें तो देखिए पूरा तो छत्तीसगढ़ है, लेकिन यदि यहां पर आप दिखा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहां लोकेशन दिखाना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं केंदुझार है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है केंदुझार। तो यहां पर केंदुझार को थोड़ा सा दिखा दीजिए। केंदुझार आपको याद नहीं हो रहा है तो बस यदि आप मैप पर खुद से भी याद करेंगे तो कुछ खास चीज नहीं कर रहा है। मैप रख लीजिए सामने और ये पॉइंट में दो तीन बार केंदु केंदु लिख दीजिए तो बस केंदुझार आपको याद हो जाएगा। पर बहुत ही आसान होता है। आगे के और वीडियोज को आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। धन्यवाद।